गुड इवनिंग स्टूडेंट, यही हमारे पास जो अभी लेक्चर 8 चल रहा था उसी का ही आगे का सेक्शन है जहां हमने लास्ट में खत्म कर दिया, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो 20-25 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो काफी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अपलोडिंग में भी और उसके क्या कहते हैं उसमें भी क्या कहते हैं कंप्रेसिंग में भी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब हम आगे अगर बात करें तो क्या हमको पढ़ना है आज हमारा लेक्चर यही हमारे पास 8वें का ही सेकंड पार्ट मान लीजिए आप, चाहे लेक्चर 9 मान लीजिए, जो भी आपको जैसा भी उचित लगे वो ठीक है। परंतु यहाँ अब हम टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की बात कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसी में हल्का सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, हमने लास्ट अभी यहाँ पर खत्म किया था। ये दोनों वीडियो एक साथ ही अपलोड करेंगे हम, कोई आपको ऐसा दिक्कत आएगी नहीं कि इससे पहले जस्ट पहले वाला देख लिया। तो हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस क्लियर हो गया कि एस्टीमेट में हमको करना क्या होता है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंशन लेनी होती है, फिर डिटेल एस्टीमेट बनाना होता है, उससे पहले अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मोटा मोटा देखें तो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में दो तरह के एस्टीमेट होते हैं। एक होते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, इनको प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके पास प्रीलिमिनरी एस्टीमेट की बात करता हूं, जिसमें सबसे पहला एस्टीमेट हमारे पास आता है वो होता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमारा इससे पहले लेक्चर थे उसमें हमने बता दिया था कि क्या होता है हमारे पास प्लिंथ एरिया। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, ठीक है, प्लिंथ एरिया, जिन्होंने जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उसको मैं हल्का से बता देता हूँ। प्लिंथ एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा बड़ा वाला जो हिस्सा है ये प्लॉट है, उसमें हमने इतना जो कंस्ट्रक्शन करना है प्लिंथ एरिया पर, जो कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें वॉल का एरिया भी इंक्लूड होता है। आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं जिसमें लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं जिसमें हमने सारे एरिया बताए थे, क्या होता है प्लिंथ एरिया, क्या होता है फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया। ठीक है, तो वो बात सब हो सकती है। ठीक है, साथ में ये लेक्चर्स को देखते समय आप एक बार इनको शेयर और कर दें ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे को अपने इस नंबर पे, जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। शर्त केवल इतनी सी है कि आप ये वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजोगे 10 लोगों को शेयर वाले। ठीक है, बस इतना सा। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, कंटीजेंसीज क्या होती है सब देख लिया था। तो सबसे पहले आज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है। प्लिंथ एरिया होता क्या है ये मैंने आपको दोबारा डिक्टेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है प्लिंथ एरिया, अप्रोक्सीमेट एरिया साइट प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि वहीं से हमको प्लिंथ एरिया पता लगेगा। और ब्रीफ रिपोर्ट होती है आल्सो प्रिपेयर, यहाँ पर एक हल्की सी ब्रीफ रिपोर्ट भी बनाई जाती है कि बेसिकली कॉस्ट ऑफ किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है और कितना हमारा प्लिंथ एरिया, सेट बैक कितना छोड़ना है, वो सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, और जब प्लिंथ एरिया तैयार किया जाता है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में कंटीजेंसी थोड़ा ज़्यादा ही मान के चलते हैं, 5 से 10%। ठीक है, नॉर्मली कंटीजेंसी जो होती है वो 3 से 5% होती है, परंतु यहाँ पर कंटीजेंसी थोड़ा ज़्यादा मान के चलते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखते हैं, प्लिंथ एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को निकालते समय मैं आपको सीधा ये क्वेश्चन ही करा देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी प्लिंथ एरिया निकालते कैसे। बड़ा आसान है, प्लिंथ एरिया में जो पहले से ही उसी टाइप का सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है। तो एस्टीमेट कैसे निकालते हैं एक बार मैं ये दिखा देता हूँ आपको, एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। जो भी आपका प्लिंथ एरिया होगा वो होगा, प्लिंथ एरिया जो भी होगा वो आप दे दें, इनटू में जो भी प्लिंथ एरिया के हिसाब से उस लोकेलिटी की, हर जगह की अलग अलग है, आप राजस्थान में तो शायद वहां पर अलग है, उसमें भी अगर जयपुर में है या कोई थोड़े से कम डेवलप एरिया में है तो वहां के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरी करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और हमारे पास जो भी लेबर्स वगैरह उसके हिसाब से। परंतु प्लिंथ एरिया रेट होती है, प्लिंथ एरिया रेट होती है, प्लिंथ एरिया रेट पर मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दी हुई होती है। ठीक है, तो जितना प्लिंथ एरिया होता है उसको उस रेट से गुणा कर देते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाता है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आ जाता है। ठीक है, कि इतना इसमें प्रोबेबल कॉस्ट लगेगी। ठीक है, कम समझ में आया होगा, पर इसको आप समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यही नोट्सों में ऐड कर दिया, जिससे मैं भी आपको आराम से समझा सकूं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रिपेयर प्रीलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग जिसका प्लिंथ एरिया कितना दे रखा है, 1600 स्क्वायर मीटर दे रखा है, 1600 स्क्वायर मीटर दे रखा है। इसमें हो सकता है ये 2 मंजिल हो, हो सकता है ये 3 मंजिल हो। ठीक है, प्लिंथ एरिया रेट उस इलाके की दे रखी है 2000 पर स्क्वायर मीटर है। साथ में उसमें ये दे रखा है कि आर्किटेक्चरल का खर्चा 1.5% है, दूसरा इन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का खर्चा 10% लेना है आपको,
दूसरा वाटर सप्लाई और जो हमारे पास सैनिटरी इंस्टॉलेशन है उनका खर्चा आपको कितना लेना है, 6% लेना है, 6% लेना है, जिसमें भी इन्होंने अलग अलग कर दिया, वाटर सप्लाई में 10 और इसमें 6% 16% हो गया। एक्स्ट्रा अदर सर्विसेज जो है इन्होंने 8% ले ली, कंटीजेंसी और सुपरविजन चार्ज इन्होंने 10% ले लिए, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा इन्होंने यहाँ पर ले लिया जो आपको आना चाहिए। अभी हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं तो वहां पर आप देखिए हमारे पास तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी। सबसे पहले प्लिंथ एरिया में जो हमारा प्लिंथ एरिया है वो प्लॉट एरिया में से प्लिंथ एरिया निकालने के लिए बिल्कुल आसान है, आपके पास सेटबैक एरिया हटा दीजिए तो प्लिंथ एरिया आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सेटबैक एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया है, पर प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए लेक्चर नंबर 7 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2000 स्क्वायर के हिसाब से तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई, ये 3 0 यहां पर है ना, 3 करोड़ 2 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अलावा इसमें और क्या क्या जोड़ना है, इसमें आर्किटेक्चरल चार्ज जोड़ना है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्लिंथ एरिया से आई है उसमें हमारे पास आर्किटेक्चर चार्ज जोड़ना है, तो 1.5% इन्होंने ये जोड़ दिया, ठीक है। तो 1.5% क्वेश्चन में दी हुई है तो 1.5% यहाँ जोड़ दिया, तो ये हमारे पास आ गई 48,000। इलेक्ट्रिक चार्ज वाटर सैनिटरी मिला के 16% हो गए यहाँ पर, सॉरी मैंने जो डिक्टेट किया उसमें ये अलग अलग है, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज इन्होंने 10% माना है और 6% वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन माना है, तो टोटल 16% है। तो ये 16% के हिसाब से ये रेट हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ आ गया 5,12,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अदर सर्विसेज 8% है, तो उसके लिए ये आ गया 2,56,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ये आ गई है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इसके अलावा कंटीजेंसी कितना लिया, अब यहाँ पर ये जो है एक चीज आप याद करेंगे, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग कॉस्ट जो आई है उससे में आर्किटेक्चरल कॉस्ट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, कंटीजेंसीज जोड़ के, कंटीजेंसी जोड़ते हैं कब, कंटीजेंसी जोड़े हैं इन्होंने, ये टोटल कॉस्ट जो आती है यहाँ, यानी कंटीजेंसी सिंपल बिल्डिंग कॉस्ट पर नहीं लगती, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लगती है, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, आर्किटेक्चरल चार्जेस भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अब उसका हमने क्या किया है, 10% लिया है, वो आ गया 4,16,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल जो आएगा वो आएगा, तो टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट जो हो गया वो आ गई 4,41,44,17,600, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई है हमारे पास, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ सीखे क्या ये देख लीजिए, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो हम जो प्लिंथ एरिया से गुणा करके निकालते हैं, पर प्लिंथ एरिया वो केवल बिल्डिंग की कॉस्ट है कि भैया सिमिलर बिल्डिंग्स इतना लगभग इस एरिया में बिल्डिंग अगर बनती है तो उसका इतना सीमित इतने एरिया में पर स्क्वायर मीटर में 2000 का खर्चा आता है, तो 1600 स्क्वायर मीटर है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आ गए, आर्किटेक्चरल कॉस्ट, फिर वाटर सप्लाई कॉस्ट, ये जोड़ के हमारे पास ये टोटल आ गई कंटीजेंसी। फिर जाके कंटीजेंसी लगाते हैं हम, और उस पर हमने ये लगा के ये 4,16,000 रुपये 1,600 रुपये निकाल के यहाँ पर ही आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, फिर जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक छोटा सा रफ आइडिया हो गया आपके लिए एक्सप्रोक्सीमेट कॉस्ट का, सबसे पहला एक अपना कौन सा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, ठीक है। परंतु कई बार क्या होता है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट की सबसे कमजोर बात क्या है, यहाँ पर ये देख लीजिए, प्लिंथ एरिया जो होता है, प्लिंथ एरिया डिसाइड तो हो गया, सिमिलर वर्क मान लो उसमें जैसे पिछला क्वेश्चन ले तो 2000 रुपए पर स्क्वायर मीटर लगा, ठीक है। परंतु हो सकता है कि जो भैया वो सिमिलर जो वर्क था वो था उसमें 3 स्टोरी का ही बिल्डिंग है, आपने बनानी है 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये भी हो सकता है, या फिर वो जो कंस्ट्रक्शन था वो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते आते हो ऊपर वाली बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती आएगी, फाउंडेशन कॉस्ट ज्यादा। तो इस तरीके से अगर बात करें तो वो जो 2000 रुपए है वो मान लो 5 मंजिल के हिसाब से और आपकी मंजिल 3 मंजिल है, तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। तो प्लिंथ एरिया में फ्लोर्स के बारे में बात नहीं होती, फ्लोर्स के बारे में बात नहीं होती, उस वजह से नंबर ऑफ स्टोरीज के बारे में बात नहीं होती, क्वालिटी ऑफ मटेरियल की तो बात ही नहीं होती अप्रोक्सीमेट मेथड में। हो सकता है कि आप महंगी टाइल लगा दे, दूसरे ने सस्ती लगवाई हो सकता है उसने वुडन वर्क नहीं कराया हो, आपको वुडन वर्क भी कराना हो, तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है। इसमें आप बिल्कुल ऐसे डिटेल में ऐसे नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हम निकाल पाएं कि ये क्या आई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा, क्यूबिकल कंटेंट में क्या होता है, यहाँ पर ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे मान लो उसका 5 मंजिल का था अपना 3, तो ये थोड़ा ज्यादा, तो प्लिंथ एरिया से ज्यादा
एक्यूरेट है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, परंतु है अप्रोक्सीमेट ये भी, क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ मटेरियल की बात नहीं करी, ठीक है, मोर एक्यूरेट है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पूरे कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का लेंथ ब्रिथ और हाइट के हिसाब से, लेंथ ब्रिथ हाइट के हिसाब से सारा का सारा आइटम वाइज वो निकाल लिया जाता है एक तरीके से क्यूबिकल कंटेंट, कि भैया इतना क्यूबिकल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो भैया उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी। वैसे ही होगा वहां पर जैसे हमने प्लिंथ एरिया वाला क्वेश्चन किया था, तो क्यूबिकल कंटेंट में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को क्यूबिक में, क्यूबिक मीटर में नाप लेते हैं, मीटर क्यूब में नाप लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापकर, फिर उसका पर मीटर क्यूब की क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आती है। तो यहाँ से जिस सिमिलर वर्क है पर उसकी मंजिल 5 थी, हमारी 3 है, तो इस तरीके से जब डिफरेंस आता है तो वो प्लिंथ एरिया में जो एरर थी वो यहाँ पर नहीं आती और यहाँ से निकालना है। परंतु अभी भी ये हमारे पास कौन सा ही होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का ही प्रकार चल रहा है क्यूबिकल कंटेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज नहीं की, क्योंकि उसने मान लो कम क्वालिटी का मटेरियल, आप महंगी टाइल यूज कर रहे हैं या महंगी फिटिंग्स यूज कर रहे हैं, जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मटेरियल कॉस्टिंग नहीं की गई है। क्वालिटी मटेरियल कॉस्ट तो आ रही है, क्वालिटी नहीं हो रही, क्वालिटी का नहीं हो रहा। अगला हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिपिकल। टिपिकल भी मेथड पढ़ने से पहले एक बार इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो प्लिंथ एरिया तो आपको समझ में आ ही गया था, एक क्वेश्चन है देखिए बुक का, अ पर्सन इज कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग प्लिंथ एरिया एक वस्तु में। प्लिंथ एरिया ये कोई छोटा सा घर है, पर्सनल घर है, जिसका एरिया कितना है 120 मीटर स्क्वायर का है, प्लॉट का दिल्ली एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख रुपए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप रूफ लेवल। हाँ तो यहां पर क्या था, रूफ की जो हाइट है ये देख लिए 6 लाख रुपए, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन किया किसी ने अपना घर बनाया, और उस ब्रिंग उसकी जो रूफ तक की हाइट थी वो कितनी थी, 3.2 मीटर, एक मंजिल का मकान है, यानी कि ये 3 मीटर लगभग 3 मीटर तक की हाइट एक मंजिल का मकान बनाया, और साथ में उसने ऊपर की जो छत है उसके ऊपर पैरापेट वॉल लिए और वो दिए 800 mm, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, बिल्डिंग की हाइट में पैरापेट वॉल की हाइट जुड़ती है क्यूबिकल एस्टिमेट निकालते समय, परंतु आधी जुड़ती है, ये आप याद रखेंगे, हाफ ऑफ पैरापिट हाइट जुड़ती है। ये देखिए मैंने गोला किया यहाँ पर, चलो वापस से आ जाते हैं। तो अब क्या कह रहा है भाई, दूसरा एक आदमी ने घर बनाया जिसके 6 लाख रुपए लग गए, ठीक है, टोटल लग गए, यहाँ पर देखिए सब कुछ इंक्लूड होके ही लगे होंगे, क्योंकि उसने घर बना दिया तो उसमें कंटीजेंसीज भी आ गई होंगी, वाटर चार्जेस सैनिटरी चार्जेस सब आ गए होंगे, ये बात आप याद समझ पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसने 3.2 मीटर हाइट की बिल्डिंग बनाई, तो ये अब कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालो, ऐसी ही बिल्डिंग कोई घर ही बना रहा है परंतु उसका एक प्लॉट बड़ा है और उसने कंस्ट्रक्शन करना है 150 मीटर स्क्वायर में, सेम लोकेलिटी की बात हो रही है, तो प्लिंथ एरिया और दोनों निकालो यहाँ पर। तो देखो बड़ा आसान है, 120 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन करने में 6 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 1 मीटर में 5000, 5000 लग रहे हैं तो भैया 150 में कितने लगेंगे, सिमिलर वर्क है तो सीधा गुणा कर दिया तो 7,50,000। तो प्लिंथ एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो सर यहाँ वाटर चार्ज कंटीजन, इसमें कहा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो चुकी है और उसमें 6 लाख रुपए लगा है, तो यहाँ पर हमको अब कुछ भी जोड़ना बोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, केवल बिल्डिंग कॉस्ट नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है ओवरऑल जब हमारे पास बना दिया। अब यहाँ पर क्यूबिकल कंटेंट, क्योंकि देखिए क्यूबिकल कंटेंट इससे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, देखो क्यूबिकल कंटेंट में एक बात तो यह है कि क्यूबिकल कंटेंट में एरिया तो हमारे पास है ही 120, ठीक है, परंतु उसको हाइट से इंटू और करेंगे तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो प्लिंथ एरिया 120 है ही जो पहले ही से कास्ट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है 3.2, और पैरापिट वॉल की हाइट मैंने कहा कि क्यूबिकल कंटेंट में जब भी निकालते हैं तो हाइट ऑफ जब भी बात होती है पैरापिट वॉल की हाइट आधी ही कंसीडर की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। क्यूबिकल कितनी क्वांटिटी आ गई, 432 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो 6 लाख रुपए 432 में लगा है तो 1 मीटर क्यूब में कितना लगा है, ये हो गया हमारे पास 1389 रुपए, ठीक है। अब सिमिलर बिल्डिंग 150 मीटर स्क्वायर एरिया की है तो वही 3.2 हाइट तक बनाना है उसको भी, और ये करना है पैरापेट वॉल तो देनी है, तो यहाँ से हो गया 540 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन। तो जब इतने मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा लग रहा है तो इतने मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन में कितना लगेगा, तो यहाँ से आ गया 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से रहा कि लगभग वैल्यू सेम सी आ गई, पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास, वापस से मैं पीछे आ जाता हूँ, ये क्वेश्चन आप एक बार पॉज कर लें, क्वेश्चन उतार लें एक बार,
और उसका ये सॉल्यूशन उतार लें, ठीक है। मान के चलता हूँ कि आपने ये सॉल्यूशन उतार लिया होगा, एक मिनट 10 सेकंड दे देता हूँ, आप पॉज कर लें और उतार लें, तब तक मैं कुछ बात कर लेता हूँ। आप वीडियो को शेयर करते रहें और सिविल वॉर ऐप के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उधर डेली टेस्ट चल रहे हैं 7 तारीख को, ठीक है। आज जो तारीख मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये 5 तारीख है, आज 5 तारीख है, लॉकडाउन चल ही रहा है 5/4/2020। आज 9 बजे आपको जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की हुई है कि आज हमको क्या करना है, घरों पर आके सारी लाइटें बंद करके अपनी फ्लैशलाइट या दिए या कुछ भी टॉर्च टाइप की कुछ चीज़ें जलानी है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहाँ पर हम धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए डॉक्टर्स और जो पुलिस स्टाफ जो भी है वो लगा हुआ है, हमारे इस कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, उसमें लगातार लगे हुए हैं। और हम, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घर पर रहकर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आपने उतार लिया होगा तो पढ़ाते रहे, अपने दोस्तों में शेयर करें, कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर बड़ा आसान सा है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने शायद डिस्कस नहीं करी अभी तक। एक चीज है, देखिए आप जब भी यूट्यूब वगैरह का यूज करें तो बहुत क्या करते हैं हम, कोई पिक्चर देखने लग जाते हैं, कोई गाना देखने लग जाते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो, तो आप सबसे पहले तो अपने सब्सक्रिप्शन चैनल में सब कुछ हटाकर केवल जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे मान लो आपको गाने करने का शौक है तो एक आध चैनल कर ले, कॉमेडी सुन ले, कभी भी रिफ्रेश करने के लिए वो सुन ले, पर ऐसे नहीं कि हर चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे आप सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई से रिलेटेड जो जो अच्छे चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन केवल उन्हीं के आएंगे, इससे यूट्यूब चैनल पे आपको आलतू फालतू चीज और दिखेगी नहीं, क्योंकि जैसे जितने जो आपने सब्सक्राइब किया होगा उसी के नोटिफिकेशन ज्यादा आते हैं, तो आपके पास डाइवर्ट होने का चांस कम होगा। न्यूज बहुत ज्यादा ना देखें, ठीक है, उससे क्या है कि आपको अभी एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ने से ज्यादा मतलब होना चाहिए, बार बार कह रहे हैं पढ़ने से, और उसमें भी आप केवल देखें नहीं, पढ़ें तो अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं हाथ के हाथ, जिससे उस वीडियो को दोबारा देखने की आपको कम से कम जरूरत ना पड़े। चलिए आगे चलते हैं, हम हमारे पास कहाँ पर पहुंच गए थे, हाँ, क्यूबिकल एस्टीमेट हो गया था, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट हो गया था, कैसे निकालते हैं वो देख लिया। इसके अलावा देखिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें एक और कंसेप्ट चलता है, टिपिकल बे वाला मेथड चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है, जो अपने पास कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उसमें शेड बना दिया जाते हैं और उसमें इस तरीके से पिलर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये पिलर्स के बीच में जो ये जगह होती है इसको बोलते हैं बे, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो होती है, जैसे मान लीजिए FCI के गोदाम है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी है हमारे पास शेड रूप में बनती इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आपको पता ही है, तो मान लीजिए यहाँ पर 10 बे वाली बिल्डिंग थी, 10 बे वाली बिल्डिंग थी, उसकी कॉस्ट इतनी आई, तो आपकी 5 बे वाली बिल्डिंग होगी तो ये होगी। तो जो ये बिल्डिंग में जो बेज होती हैं पिलर्स के बीच में, स्टील बिल्डिंग्स में जो पिलर्स के बीच में जो जगह होती है उसको बे बोलते हैं। तो कई बार क्या करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में बेस के आधार पर करते हैं, तो बे मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ बेस प्लस में रेट ऑफ वन वे, ठीक है। मान लो 5 का एक बे की कॉस्ट कितनी है, मान लो इस इंडस्ट्री को बनाने में 10 लाख रुपए लग गए, ठीक है, 10 लाख रुपए लग गए, और मान लीजिए इसमें 5 बे थी, तो 5 बे थी तो आपका 5 का डिवाइड करके 1 बे का कॉस्ट आ गया। अब उसी की जैसे सिमिलर जब इंडस्ट्रियल कॉस्ट बनेगी तो भैया मान लो उसमें 10 बे थी तो 10 से इंटू कर देंगे। यहां पर भी वही चीज है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल को नहीं लिया, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी, अच्छा कंस्ट्रक्शन और थोड़ा मतलब लो क्लास कंस्ट्रक्शन जो है वो बदलता है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मेथड ही होता है, ठीक है। अगला चले सर्विस यूनिट पर आधार, जैसे हॉस्पिटल स्कूल होती है, जैसे कि हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है कि 500 बेड का हॉस्पिटल है, तो मान लीजिए 500 बेड के हॉस्पिटल बनाने में इतना खर्च आया, सेम उसी तरीके से कोई और हॉस्पिटल बने वो 50 बेड का ही है, ठीक है। तो ये बेम यहाँ यूनिट है, सर्विस यूनिट मेथड भी होते हैं, सेम अलग अलग IT कंपनी है, मान लीजिए वहां पर इतने यूनिट का ऑफिस बनाने के लिए इतना कंस्ट्रक्शन आया, जैसे स्कूल की बिल्डिंग मान लो कि 500 विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल बनती है वो उसका कॉस्ट इतना है, तो 100 विद्यार्थियों के लिए जो बनेगी वो, तो ये सर्विस रेट मेथड भी कहलाती है, ठीक है, सर्विस यूनिट मेथड भी कहलाती है। यहाँ भी हमारे पास केवल अप्रोक्सीमेट है, क्वालिटी नहीं ली जा रही है, केवल हमारे पास यूनिट्स ली जा रही है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा अप्रोक्सीमेट मेथड होता क्या है,
ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड के बाद आगे अगर हम चले, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराई दिया है। अब अगर हम बात करें डिटेल एस्टिमेट की, ये जो फोटो आपके सामने लग रही है ये ऑलरेडी मैं एक स्लाइड में दिखा चुका हूं आपको, शायद लेक्चर नंबर 5 या 6 में है, फिर भी वापस से कहें, सबसे ज्यादा रिलायबल और एडमिनिस्ट्रेशन सेंशन के बाद टेक्निकल सेंशन लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड वो एस्टिमेट होता है, डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है वो बनाने में ज्यादा जोर भी नहीं आता, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तुरंत बन जाता है। उसके बाद हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलते ही हमको डिटेल एस्टिमेट बनाना ही पड़ेगा, जिससे हमको टेक्निकल सेंशन मिल पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उस जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उसकी प्रॉपर ड्राइंग्स होनी चाहिए, प्लान की, सेक्शन की, एलिवेशन की। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिकेशंस हर वर्क के, जो भी उसमें कार्य है उसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास हर एक आइटम की रेट, जो कि हम डीएस, अगर राजस्थान में हो आप तो हमारे यहाँ बीएसआर चलती है, तो बीएसआर और डीएसआर का जो भी है वो कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा। तो मैंने आपको डीएसआर दिखाई भी थी उस लेक्चर में, आप पूरी लेक्चर सीरीज देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो वहां से हमारे पास ये चीज समझ में आती है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ एस्टिमेट पता होना चाहिए, जहां सारे मटेरियल, वर्कर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब पता होती है, जो कि डीएसआर की मदद से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल एस्टिमेट है, बनाते कैसे हैं उसके लिए देखो। डिटेल एस्टिमेट के लिए इसको बोलता क्या है, एक और चीज है। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट में हर एक आइटम, अर्थवर्क में कितनी क्वांटिटी है, फिर उसका डीएसआर के हिसाब से क्या रेट है उस आइटम का, उस हिसाब से क्वांटिटीज निकाली जाती है। तो डिटेल एस्टिमेट को आइटम रेट एस्टिमेट भी बोलते हैं, सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट इसी को ही बोलते हैं, मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इसको ही बोलते हैं। डिटेल एस्टिमेट दो स्टेजेस में पूरा होता है, सबसे पहले हम क्वांटिटीज निकालते हैं। देखिए, आपको मैंने अभी अभी बताया था, याद करो, देखो यार, पहले तो हम क्या निकालते हैं, क्वांटिटीज निकालते हैं। स्पेसिफिकेशन पता होगा तो रेट एनालिसिस कर लेंगे। अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम एस्टिमेट के प्रकार हो गए, फिर एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल, सेंटर लाइन मेथड देखने के बाद फिर हम रेट एनालिसिस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, दो स्टेजेस में होता है। सबसे पहले हम क्वांटिटीज निकालते हैं हर आइटम की, एक एक आइटम की, जहां हमको आइटम नंबर, उसका सीरियल नंबर, या सबसे पहले अर्थवर्क होगा, फिर पीसीसी डलेगी, फिर ब्रिक वर्क होगा, या जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर हो उस वर्क का डिस्क्रिप्शन होगा, फिर नंबर्स, उसकी नंबर जो भी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्वांटिटी जो भी है, मीटर क्यूब में है, मीटर स्क्वायर में, ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वहां से हम एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लेंगे, जो भी रेट ऑफ मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से, मोड ऑफ मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, हर एक वर्क की, एक एक वर्क की, जो आइटम में नफर है वो आइटम में, इस तरीके से हर एक वर्क की, ब्रिक वर्क, अर्थ वर्क, आरसीसी, स्टील, जो भी है सब कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम डिटेल मेजरमेंट करेंगे। डिटेल मेजरमेंट कहां से करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, ये मैंने आपको यहां लिख दिया, प्लान की मदद, क्योंकि अभी बना तो कुछ है ही नहीं, बनाना है उसके लिए तो पैसा निकलवाना है। ठीक है, तो पैसा जब अप्रूवल कराना है तो हमारे पास प्लान होंगे, ठीक है, एलिवेशंस होंगे, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डिजाइन वाली बिल वो नहीं होगी, जहाँ आरसीसी की सरियों की कॉस्ट होगी, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलें, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज निकालेंगे डिटेल मेजरमेंट के हिसाब से, हर एक आइटम की, एक्स वाई जेड पूरा, टॉप टू बॉटम सारे। ठीक है, दूसरा, फिर हम उसमें कॉस्ट निकालते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट बोलते हैं। यहाँ जो जो आइटम थे, जैसे सीरियल नंबर वन आइटम था, मान लीजिए हमारा अर्थवर्क था, उसकी क्वांटिटी आ गई मान लो 200 मीटर क्यूब। अब उसकी जो भी यूनिट है वो मीटर क्यूब में लिख ली यहाँ पर हमने। रेट उसका जो भी चल रहा है, जैसे मान लो डीएसआर है, मैं एक बार आपको डीएसआर दिखाई देता हूँ, पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। हाँ, जैसे कि अब मैंने आपके लिए डीएसआर खोल ली बैकग्राउंड में, एक बार देख लीजिए। जैसे मान लो कि आपके पास, मैं बता क्या रहा था, हाँ, जैसे मान लो आपको अर्थवर्क की बात करनी है, तो आइटम नंबर वन हो गया, दूसरा अर्थवर्क हो गया। ठीक है, अर्थवर्क इन एक्सवेशन है, क्वांटिटी जो भी आई मान लो मैंने कर दी 200-300 मीटर क्यूब की, हमारे पास अर्थवर्क हो गया, यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब में आ गई। रेट उसकी हम डीएसआर से देख लेंगे या बीएसआर से देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये अर्थवर्क है, अर्थवर्क में जैसे ये आइटम कोड था 2.1। ठीक है, यहाँ अर्थवर्क इन, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ इसका स्पेसिफिकेशन, इन्होंने लिख रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा लिखना होता है। ठीक है, अर्थवर्क इन अ सरफेस एक्सवेशन नॉट एक्सीडिंग
30 सेंटीमीटर, अगर 30 सेंटीमीटर तक नहीं आने की है तो सरफेस ड्रेसिंग है, तो भैया मीटर स्क्वायर में नापेगा। ठीक है, अगर अर्थवर्क डीप करना है आपको 20 सेंटीमीटर से अधिक है, और वहां पर हमारे पास सब कुछ यूज कर रहे हैं हम, जो भी है, चाहे वो हम एक्सकवेटर से यूज कर रहे हैं, जेसीबी चल रही है, हाथ से कर रहे हैं, कोई सी भी मिट्टी, ऑल काइंड ऑफ सॉइल, मीटर क्यूब में 746.80 रुपए देने पड़ेंगे, तो मी क्यूबिक मीटर में देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अब आपको, बार बार वही गलती हो रही है, 746, मान लो मैं बात कर लेता हूँ 746, और मान लीजिए यहाँ आ गई 200 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यहाँ लिख लिया, यहाँ अर्थवर्क का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है, और ये आइटम नंबर वन, तो यहाँ से इसको इंटू करके 200 इंटू में 746 इंटू करके यहाँ पर इसका आइटम ये निकाल लिया जाएगा। इसी तरीके से सारे आइटम्स के जो जो हमारे पास डिटेल्ड इमेजेस में थे, ऊपर वापस से मैं कर रहा हूँ, ये देखो जो जो हमारे पास यहाँ पर थे डिटेल मेजरमेंट में जो जो आइटम थे, उनकी सबके रेट लगाकर डीएसआर या बीएसआर से जो भी हमारे पास उस करंट में जो भी मार्केट रेट में चल रही होगी, वहां से हम डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं। अब क्वांटिटीज निकालते कैसे हैं, अर्थवर्क कैसे निकालते हैं, ब्रिक वर्क कैसे निकालते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड जो सबसे एक्यूरेट है, सेंटर लाइन मेथड क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें, जिससे मैं सुधार कर सकूं लेक्चर की क्वालिटीज में और भी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहां से क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या हमको चाहिए होते हैं डिटेल एस्टिमेट में, हर एक की ड्राइंग कैसे निकालते हैं, क्वालिटी, ये सब मैंने बता दिया आपको, है ना, ये चीज बस आप नोट कर लें, एज अ नोट्स बनाने हो तो फॉलोइंग फैक्टर आर टेकन बी कंसीडर इन डिटेल एस्टिमेट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ड्राइंग वगैरह की जरूरत पड़ती है जो भी है। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट टेक्निकल अप्रूवल के लिए जरूरी होता ही होता है। ठीक है, अब एक और डिटेल एस्टिमेट का ही प्रकार है रिवाइज्ड एस्टिमेट। मान लीजिए कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जिसमें मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए लग गए, 10 लाख रुपए का एस्टिमेट आपने दे दिया, परंतु कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो ओनर है उसने कहा कि भैया मेरे को 3 स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनानी, मेरे को तो इसमें 5 स्टोरी बनानी है। अब 2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन बढ़ गया जो कि आपने 10 लाख में नहीं लिए, तो अब तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो रिवाइज एस्टिमेट जब होता है, जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल सेंशन से या तो मॉडिफाई हो जाए, नया काम जुड़वा दे कोई, या फिर ओरिजिनल सेंशन से जो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो कितने ज्यादा जा रही है, 5% से ज्यादा जा रही है। ठीक है, तो अगर छोटा मोटा वो ऐड कराता है, वो कह देता है नहीं मैंने पहले नहीं बताया था पर मेरे को ऊपर एक कमरा बनाना और विद इन 5% है, तो उसके लिए हमको रिवाइज्ड एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, वो कमरा पहले जरूर नहीं बताया पर वो विद इन 5% एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत नहीं है। हाँ, परंतु मान लो वो कहता नहीं मेरे को 2 मंजिली एक्स्ट्रा बढ़वानी, तो 5% से ज्यादा, जैसे ही 5% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाएगी तभी हम बनाते हैं, पहले से तैयार नहीं होता रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास कॉस्ट जो होती है, जो हमने अप्रूवल ले रखी है, उससे ज्यादा पैसा लग रहा है, 5% से ज्यादा लग रहा है, तो वो पैसा सीधा आप बिल नहीं बना सकते, उसके लिए आपको अलग से वापस से सेंशन लेनी पड़ेगी, टेक्निकल सेंशन भी, फाइनेंशियल सेंशन भी वापस से लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल तो है ही है, काम तो होना ही है, परंतु अब वापस से आपको लेनी पड़ेगी, तो उस तरीके से आपको ये एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 5% का डेटा याद रखेंगे। ठीक है, और यदि एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर किसी आइटम में, जैसे मान लो मैंने अभी ऊपर दिखाया ब्रिक वर्क था या आरसीसी वर्क था या कोई सरिये का काम था, मान लीजिए स्टील का जो काम हमने अप्रोक्स एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट में लिखा है, उसमें मान लीजिए लग रहा था 2 लाख रुपए। ठीक है, परंतु पर्टिकुलर जब साइट पर कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये 2 लाख के 10%, मतलब इसमें 2 लाख का 10% मतलब 20,000, 2,50,000 लग रहा है, तो अब 20,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी पर्टिकुलर आइटम में। यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर इन अ पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर वर्क, चाहे वो ब्रिक वर्क हो, चाहे वो अर्थ वर्क हो, चाहे सरिया हो, ज्यादातर स्टील वर्क में या आरसीसी वर्क में हो सकती है गड़बड़, स्टील वर्क में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको फिर से आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। टोटल ओरिजिनल वर्क का 5% कॉस्ट अगर जा रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5% ज्यादा जा रही है, या पर्टिकुलर किसी आइटम में आपके पास जा रही है, तो उसके लिए आपको 10% का है। तो 10% और कब 5% लेते हैं, कब 10% लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल कॉस्ट जो जा रही है वो 5, ओरिजिनल कॉस्ट 5 से ज्यादा जा रही है, और पर्टिकुलर कोई एक आइटम में अगर 10% से ज्यादा खर्चा हो रहा है जो पहले दिया हुआ था, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, होता डिटेल्ड एस्टिमेट ही है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक और है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। देखिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होती है ये देख लो।
सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है ये देख लीजिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा काम, मतलब सॉरी एक चीज मैंने यहाँ पर बात कर दी थी ना, जो रिवाइज एस्टिमेट की 5 मंजिल 3 मंजिल, वो यहाँ नहीं था। मतलब काम वही है परंतु पैसा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तब की बात है, काम वही है ना। यहाँ पर था वो 5 मंजिल वाला एग्जाम्पल, इसके लिए था सॉरी उसके लिए। ठीक है, क्या है कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होगा, सप्लीमेंट्री मान लीजिए जितना काम था वो तो सही चल रहा है, अप टू डेट चल रहा है, पैसा भी उतना ही लगने वाला है, परंतु मान लीजिए उसका ओरिजिनल वर्क में अब उसने कुछ चेंज और करवा दिया, एक्स्ट्रा और बिल्डिंग एक्स्ट्रा एक्सीड करा दी, अलग काम जो पहले बताया भी नहीं गया था, तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाना पड़ता है और फिर उसकी अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी, फिर होगा ये। ठीक है, तो ये एडिशनल वर्क है, मतलब जो ओरिजिनल वर्क है उसकी कॉस्ट तो ओके है, उस एस्टिमेट में पार पड़ रही थी, जैसे उसमें तो पिछले में क्या था। हाँ, वापस से इस चीज को है ना क्लियर रखना, रिवाइज एस्टिमेट जब यूज करते हैं जब सेंशन जो होती है उससे एक्सीड कर रहा हो हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 10% पर्टिकुलर आइटम में और पूरे वर्क में 5%। ठीक है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जब नया कोई भी वर्क, जैसे कि इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर सप्लीमेंटेड ऑन ओरिजिनल वर्क, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम आता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, होता है ये भी डिटेल एस्टिमेटिंग। ठीक है, अगला है रिपेयर मेंटेनेंस, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का एस्टिमेट छूटता है तो वहां पर नॉर्मल पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग छोड़ा रिपेयरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, इनके मेंटेनेंस चलते रहते हैं बिल्डिंग्स में, उससे रिलेटेड कुछ एस्टिमेट होते हैं उनको रिपेयर एस्टिमेट या मेंटेनेंस एस्टिमेट बोलते हैं। ये भी बिल्डिंग कॉस्ट के साथ पहले कोई इंक्लूड नहीं होता, ये टाइम टू टाइम हर बार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के लिए जो भी बिल्डिंग है, चाहे वो रोड है चाहे कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है एक्स वाई जेड, उसके लिए जो एस्टिमेट बनाए जाते हैं, चाहे जो पेंटिंग हो गया डेंटिंग हो गई रिपेयरिंग हो गई इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, तो ये सब कुछ चलता रहता है। जैसे साल भर में एक बार पेंटिंग होनी है, पुताई होनी है, या 5 साल में एक बार होनी है, तो उस हिसाब से ये रिपेयर एस्टिमेट चलते रहते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, किस कौन कौन से होते हैं, अप्रोक्सीमेट डिटेल, डिटेल में कौन कौन से हैं, अप्रोक्सीमेट में कौन से हैं, किस तीस से यूज होते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये दो लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, ये अगर कंप्लीट देखते हैं तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या होता है ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है, क्या होती है टेक्निकल सेंशन, क्या होता है प्रोसीजर, ये बिल्कुल क्लियर कट आपके आइडिया लग गया, कितना परसेंटेज कंटीजेंसी क्या होती है, कितने परसेंट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। 10% होता है स्मॉल वर्क में, 15 भी होता है, 8% भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें लमसम आइटम क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ भी रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कम से कम वीडियो जब भी देखें तो कम से कम एक लाइक जरूर दे दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।